अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एस द टीवी के नाम से। आज एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो छोटा सा ब्लॉग है। हम लोग इधर फार्म हाउस पे बैठे हुए थे तो हमारा अचानक जो है कुकिंग करने का मूड हुआ, तो हमने जो है गोश्त वगैरह मंगवा लिया है। तो अब ये हम गोश्त का जो है सालन बना रहे हैं। वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले जिन भाइयों ने हमारा यूट्यूब चैनल जो कि टी वी के नाम से अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि इस तरह की आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको। तो चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि गोश्त हम बना रहे हैं, कैसे हमने बनाया, इसमें क्या क्या डाला है। ये जी जो गोश्त हम बना रहे हैं ये कबूतर का गोश्त है जी हाँ। तो इसका बनाने का तरीका ये था कि पहले हमने घी डाला है, उसके बाद इसमें प्याज फ्राई किए हैं। प्याज हल्के से ब्राउन होने के बाद जो है हमने फिर मसाले वगैरह ऐड किए हैं। तो मसाले ऐड करने के बाद जो है हमने गोश्त डाला है। अब गोश्त को फ्राई कर रहे हैं। तो आई होप कि हमारा जो आज की डिश है वो बेहतरीन बनेगी। तो हमारे साथ रहिए, क्योंकि मैंने पहले कभी खैर कुकिंग नहीं की, आज पहली दफ़ा कुकिंग कर रहा हूँ, तो देखते हैं कैसा टेस्ट आता है। तो ये अब हमने इसमें जो है कढ़ाई गोश्त का जो मसाला था वो ऐड किया है। तो देखने में तो माशाल्लाह बहुत टेस्टी नजर आ रहा है, बाकी खाने के बाद आपको दिखाएंगे कि ये किस तरह का बन रहा है। तो व्यूअर, इसको थोड़ी देर के लिए हमने ढकना लगा के रख दिया है ताकि थोड़ा सा जो गोश्त है अच्छे तरीके से गल जाए। बाकी फिर आपको दिखाते हैं कि इसका टेस्ट किस तरह का बना है। और आज हमने जो है आपके साथ अपनी आज की रूटीन शेयर की है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये रूटीन पसंद आई होगी, तो हमारे साथ रहिए। तो ये मेरे साथ बैठे हैं मोहम्मद नादर लिशारी, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं। तो इनकी मेहरबानी से जो है आज हम आज का व्लॉग अपना वो कर रहे हैं। और जो वीडियो बना रहा है मोहम्मद अहमद है। तो व्यूवर, ये अब जो है हमारा गोश्त फ्राई हो गया है, इसमें हमने थोड़ी सी ये दही डालनी है ताकि इसका जो है टेस्ट अच्छा हो और जो है मतलब बहुत ही जायकेदार बने। तो व्यूवर, ये अब इसमें हमने दही ऐड करनी है। तो तकरीबन ये सारी इसमें हमने दही है, इससे जो है इसका जो है सालन गाढ़ा होगा और टेस्टी बनेगा, आप देख सकते हैं। इसको अब थोड़ी देर इसका ढकना लगा देते हैं इसके ऊपर जो है। तो इसमें नींबू भी डाले हैं टेस्ट के लिए। रोटियां की नियम रोटियां। तो व्यूवर, हमारा जो सालन है वो ऑलमोस्ट पक गया है और खुशबू माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आ रही है।
तो बाकी जैसे ही हम टेस्ट करते हैं तो आपको दिखाते हैं और बताते भी हैं कि आज जो मैंने बनाया है सालन वो किस तरह का बनाया है। तो इसमें हमने लेमन भी डाले हैं, दही भी डाली है, और सारा प्रोसेस जो किया है वो मैं साथ साथ बताता गया हूँ। तो आई होप कि आपको आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, तो हमारे साथ रहिए। तो व्यूवर, हमारा जो है सालन ऑलमोस्ट फाइनल हो गया है, तो हम अब खाने लगे हैं। तो अब खा के, ये मोहम्मद अहमद है और ये साथ मोहम्मद नादिर है, इसका टेस्ट कैसा है? हाँ तो मोहम्मद अहमद, बताओ सालन कैसा बना हुआ था? सालन तो बहुत जबरदस्त था भाई, शायद आपने बनाया और जबरदस्त सालन बना हुआ था। अच्छा, बहुत ही अच्छा तो बना ये बताओ रोटियां आपने कितनी खाई हैं? हुआ था। अच्छा हाँ मोहम्मद नादिर, आप बताओ इसने कितनी रोटियां खाई हैं? कोई बता अच्छा तो व्यूवर ये थे मेरे साथ मोहम्मद अहमद और मोहम्मद नादिर, जो बता रहे थे कि सालम जो कि मैंने बनाया बहुत ज़बरदस्त बना हुआ था। तो बहुत जबरदस्त था। ये थी हमारी आज की रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो व्यूवर ये थी हमारी आज की रूटीन। तो व्यूवर ये थी हमारी आज की रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर की। आज जो कि हमने आउटिंग की थी फार्म हाउस पे, तो मोहम्मद अहमद जो है कबूतर लेके आया था और हमने कबूतरों का सालन बनाया। कबूतर का गोश्त बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जबरदस्त बना हुआ है, जैसा कि आपको मोहम्मद अहमद और नादिर भाई ने बताया है कि बहुत जबरदस्त सालन बना हुआ था। तो कुकिंग मुझे इतनी तो खैर नहीं आती, थोड़ी बहुत कर लेता हूँ, वो भी कभी कभार गैदरिंग हो तो मैं कर लेता हूँ। आज अल्लाह का शुक्र है, आज का सालन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बना हुआ था और बहुत टेस्टी बना हुआ था। अहमद और जो है मोहम्मद नादर ने भी इसकी तारीफ की। उम्मीद करता हूँ हमारी ये जो आज की वीडियो है, आज का व्लॉग है, आपको पसंद आया होगा। आपको हमारी वीडियो, हमारा व्लॉग पसंद आए तो हमारा यूट्यूब चैनल जो कि ऐसा टीवी के नाम से है, उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि इस तरह की आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।